तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद क्रिएट एंड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, मीडिया पर जाकर जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ इसको लेकर के आना है। आपको अपना वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है वो एक बार आप देख लीजिए। आपको उसे मोबाइल एक जगह में रख देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आना है वापस, ठीक है। पीछे जाइए, ऐसे गिरिए, और उसके बाद ऐसे दौड़ना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो आगे में आपका ये जो खाली जगह है, ठीक है, इस खाली वाली जगह का आपको कैप्चर ले लेना है। कैप्चर में जाइए और कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वापस प्ले कीजिए। आपका मेन रिकॉर्डिंग कब से स्टार्ट है वो देखना है कि आप ये पीछे कब जा रहा है, ठीक है, उछल के। देखिए पीछे गए, इस पोजीशन में आके आपको ये वाला आगे वाला क्लिप है उसको ट्रिम कर देना, ठीक है। ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है। अभी इधर वाले में जाइए, आप यहाँ पे कहाँ तक आ रहे हैं वो देख लीजिए आप। ये थोड़ा पीछे, ठीक है, ठीक इस तरह का पोजीशन में आके यहाँ पर आप ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो क्लिप का डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकाल दीजिए, ठीक है, और ये जो आपका कैप्चर पहले वाला लिया था उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको बीच में ला दीजिए, ठीक है। अभी वापस इसको प्ले करके देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने रनिंग किए, ऐसे रनिंग यहाँ पे कब से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर पर ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर दीजिए। इसमें इतना ही पार्ट रहना चाहिए आगे वाला पार्ट में, ठीक है, फिर ये बीच में खाली। उसके बाद ये वाला पार्ट आप जब ऊपर से गिर रहे, ठीक है, बस ये वाला पार्ट ही इतना ही चाहिए इसमें, ठीक है। फिर इसमें ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है। अभी आपका वीडियो ऐसा बनकर रेडी है करीब, ठीक है। आगे गए, फिर उसके बाद देखिए ऐसे गिरे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये आगे वाले क्लिप में आना है, यहाँ पे आना है, फिर इसका वापस से आपको कैप्चर ले लेना है इस वाले पार्ट का। देखिए यहाँ आ गया है ना आप, देखिए इधर इस वाले पार्ट का आपको कैप्चर ले लेना है। यहाँ पर कैप्चर में जाइए और कैप्चर एंड सेव कर दीजिए, ठीक है। फिर जो कैप्चर आया है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके लाना है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना वो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड रिमूव करके लाता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद उस पीएनजी को लाने के लिए आपको यहाँ पर लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको वो पीएनजी लेकर के आना है। मैं लेकर के आता हूँ, देखिए पीएनजी आ गया है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये पीछे वाला जो है उसे मैच कर देना है, ठीक है। पीछे वाले करेक्टर से मैच कर दीजिए पूरा, ठीक है, वो मैच हो गया। अभी आप एक बार देखिए कैसे हुआ ये वाला, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए पहले, ठीक है, इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इधर, ठीक है। अभी आपको यहाँ आगे में आना है, यहाँ पे की पे जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर वापस थोड़ा आगे आइए, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा छोटा भी कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद वापस आगे आइए, इसको और थोड़ा छोटा कर दीजिए, और थोड़ा आगे आइए, थोड़ा नीचे लाइए, फिर थोड़ा और आगे आइए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना ये कब कहाँ पे गिरेगा, ठीक है, आपको उससे मैच कर देना है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा नीचे कीजिए। इतना होने के बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर दीजिए,
ठीक है, उससे क्या थोड़ा स्पीड में हो जाएगा, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको प्ले करके देखेंगे। देखिए हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ आगे में जब आपको फिंगर से मारते हैं उस एरिया में आना है, फिर लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर जो आपने हाथ से ग्रीन स्किन निकाला हुआ है फिंगर से मारते हुए उसको लेकर के आना है। ठीक है, देखिए ये वाला ग्रीन स्किन आने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप क्रॉपिंग कर दीजिए, अपने हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक है, क्रॉपिंग कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको इसका क्रोमा की करना है। ठीक है, क्रोमा की पे जाइए, इनेबल कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे आपको सेट करना होगा, जैसा आपको लगता है वैसे सेट कर दीजिए कि आप दौड़ के कब आ रहे हैं, वैसे उस टाइम पे चलना चाहिए, वैसे आपको सेट करना होगा। ठीक है, मैं जल्दी से करके बताता हूँ आपको। और सब हो जाने के बाद ये वाला जब आपका हो गया है, उसके बाद ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिएगा। अभी मैं ये वाला सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब आपको मार रहा है ये वाला, आगे पीछे करके थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए सब सेट हो जाने के बाद आप इसको एक बार प्ले करके देख लीजिए। देखिए, ठीक है, और आपका ये वीडियो पूरा बन जाने के बाद आपको क्या करना है, सेव वाले बटन पे जाके अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।